पहले फटाफट अंदाज में 20 बड़ी खबरों पर नजर डाल लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम बना एक नया रिकॉर्ड, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पीएम मोदी के 100 मिलियन यानी 10 करोड़ फॉलोअर्स हो गए हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी एक्स पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले नेता भी हैं। महाराष्ट्र में आज भाजपा की बड़ी बैठक होगी। बैठक में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र के प्रभारी सह प्रभारी केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, अश्विनी वैष्णव मौजूद रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बाढ़ प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से की बात। उत्तर प्रदेश, गुजरात और असम के मुख्यमंत्रियों से फोन पर की बात। तीनों राज्यों को केंद्र सरकार की तरफ से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। नेपाल के राष्ट्रपति कार्यालय ने सीपीएन यूएमएल के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली को अगला प्रधानमंत्री नियुक्त किया। उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ लेकर पुष्प कमल दहल प्रचंड की जगह ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केपी शर्मा ओली को नेपाल का प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच मित्रता के गहरे संबंधों को और मजबूत करने के लिए तत्पर हैं। शराब नीति घोटाले से मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत पुनर्विचार याचिका पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में हुई सुनवाई। कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 22 जुलाई तक बढ़ाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज ऊर्जा विभाग की समीक्षा करेंगे। इस दौरान वो विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति रिपोर्ट देखेंगे। देश को रक्षा उत्पाद के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए रक्षा औद्योगिक गलियारे में योगी सरकार विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर रही है। इसके लिए सरकार की ओर से 950 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। लखनऊ में भाजपा कार्य समिति ने राजनीतिक प्रस्ताव किया पास। राजनीतिक प्रस्ताव में सपा और कांग्रेस पर हमला। प्रस्ताव में राहुल गांधी को हिंदू विरोधी बताया गया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लखनऊ में आयोजित प्रदेश कार्य समिति की बैठक में कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा के पास विपरीत परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य को हमने माफिया मुक्त बनाया। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार के सार्थक प्रयासों के कारण 500 साल बाद अयोध्या में भगवान श्री राम विराजमान हुए। कांग्रेस आरक्षण के मुद्दे को निरंतर धार देगी। इसके लिए पार्टी शैक्षिक और चिकित्सा संस्थानों में नियमित भर्ती के साथ ही संविदा और आउटसोर्सिंग की भर्तियों में आरक्षण का पालन कराने के लिए आंदोलन करेगी। यह आंदोलन अगस्त से शुरू होगा। देश के कोने कोने से बड़ी संख्या में कृष्ण भक्त मथुरा वृंदावन आते हैं। गुरु पूर्णिमा पर मंदिर प्रबंधन ने बढ़ती भीड़ को देखते हुए अपील जारी की है कि मंदिर में बुजुर्ग, बीमार और बच्चों को लेकर न आए। बिना रिजर्वेशन कराए सामान्य टिकट पर ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों को रेलवे राहत देगी। इसके लिए 11 जोड़ी ट्रेनों में जनरल कोच लगाए जाएंगे जिससे आम यात्रियों का सफर आसान हो सके। यात्रियों की सुविधा के लिए लखनऊ मेट्रो का समय बढ़ा दिया गया है। सोमवार से मेट्रो रात 10:30 बजे तक चलेगी। अभी तक ये सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक चलती थी। लखनऊ में पक्का पुल पर अब केवल दोपहिया वाहन गुजरेंगे। लोक निर्माण विभाग ने पुल के कमजोर होने की वजह से रास्ता किया बंद। 5 लाख लोग प्रतिदिन करते हैं सफर। कासगंज में सुबह 2 स्कूली वाहन आपस में भिड़ गए। इस हादसे में इको कार चालक की मौत हो गई। वहीं शिक्षिका सहित 8 बच्चे घायल हो गए हैं। देश का पहला हाइड्रोजन चालित जलयान वाराणसी पहुंचा। इस जलयान को काशी प्रयागराज के बीच महाकुंभ के दौरान चलाया जाएगा। जलयान का निर्माण कोची शिपयार्ड में हुआ है। रामलला के समक्ष जादू कला का बना विश्व रिकॉर्ड। 2 दिवसीय जादू कार्यक्रम में शामिल हुए देश विदेश के 200 से अधिक जादूगर जादूगरों ने एक साथ प्रकट किया श्री राम लिखा फ्लैग। मौसम विभाग ने सोमवार को पूर्वी यूपी में भारी बारिश होने या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं मंगलवार और बुधवार को राज्य में हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है।